नमस्कार, सनसनी आज तक में आपका स्वागत है। मैं रजनीश कुमार। संकट की इस घड़ी में पुलिस और प्रशासन के साथ साथ अब समाज सेवी भी आगे आने लगे हैं। इस लॉकडाउन की स्थिति में मजदूर वर्ग जो कि रोज मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे थे, उनकी स्थिति खराब है। ऐसे में उत्तम नगर के समाज सेवी DR शर्मा ने क्षेत्र के भूखे और गरीब लोगों को खाना बांटा और मास्क भी बांटे। बच्चे और महिलाएं खाना लेने पहुंची, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। समाज सेवी DR शर्मा ने उत्तम नगर के विजय विहार में, वाणी विहार में, उत्तम नगर के कई क्षेत्रों में सैनिटाइज भी किया। अब अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम DR शर्मा है। तो ये लॉकडाउन के चलते आप ये लंगर लगा रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? ये आज हमें 26वां दिन है। लगातार हम ये भंडारा टाइप लगातार आ रहे हैं और बिंदापुर में, नंदराम पार्क में, धौली प्याऊ, रैन बसेरा, उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन, द्वारका सेक्टर 1 में लगातार हम ये करते आ रहे हैं जैसे लॉकडाउन हुआ है। और जब तक ये रहेगा, 3 मई तक का प्रधानमंत्री जी का आदेश है, इसी तरीके से हमारी रसोई चलती रहेगी। आगे की आपकी क्या रणनीति है? हमारी रणनीति कुछ नहीं है। हमारी रणनीति तो ये है कि हमारे सारे भाइयों का सहयोग है और उसी से हम बैठ करके शाम को रणनीति बनाते हैं कि हमें अब कल हमें क्या करना है और आगे किस तरीके से चलना है। पब्लिक को क्या संदेश देंगे? पब्लिक को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने अपने घरों में रहें। आपकी सेवा के लिए पूरी दिल्ली सड़कों पर उतरी हुई है, NGO उतरे हुए हैं। आप लोग अपने घर में सुरक्षित रहें और इतना परहेज रखें, अपने 1-1 मीटर का दायरा बना करके रखें ताकि आप स्वस्थ रहेंगे, देश स्वस्थ रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा। यहाँ के अलावा आपने और भी कई लंगर लगाए हैं? इसकी जगह हम शाम के समय हम राशन भी बांटते हैं, प्रत्येक परिवार को 7-7 किलो राशन बांटते हैं। और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ 2-2 हफ्ते का हम राशन पहले दे के जा चुके हैं, सूखा, 1 परिवार को 7 किलो का राशन के हिसाब से।